गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन लेंस मेकर फार्मूला जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इस बार पूछने के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला देखो होता क्या है। लेंस मेकर फार्मूला अपन कहते हैं कि दिस फार्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू सर्फेसेस। दिस फार्मूला इज यूज बाई मैन्युफैक्चरर टू डिजाइन लेंस ऑफ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ फ्रॉम अ ग्लास ऑफ अ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब लेंस मेकर फार्मूला जो होता है वो एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मटेरियल्स, जैसे अपन को दो सर्फेसेस इसमें क्रिएट होते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसका जो अपन कहते हैं कि दिस फार्मूला जो यूज होता है वो जनरली रिक्वायर्ड फोकल लेंथ जो हमें चाहिए, कि जैसे सबके आँखों के डिफेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड फोकल लेंथ के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इसमें। तो मतलब हम जनरली फोकल लेंथ को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, आप लोगों को पहले तो ये डायग्राम बनाना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जिसमें हमने यहाँ पे दिखा रखा है एक सॉलिड लाइन है ओ ए, वो बेंड हो गया जैसे ही रिफ्रैक्टिव इस मटेरियल के अंदर गया, तो यहाँ से ये आई पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, जो सॉलिड लाइन अपन डार्क लाइन दिख रहा है। तो ओ से ए अपन गए, ए से फिर ये बेंड हो करके आई पे मीट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल अपन कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं एम एन एंड है वो सी वन एंड सी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर से अपन ने डाल रखा है। एक आई वन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन भी हो रहे हैं, तो जो अपन लाइट यहाँ से सीधे ओ से गया था एन के ऊपर, तो ओ एन जो है वो बैंड होकर के आई वन डैश जो है आई वन इमेज फॉर्म किया। आई वन को फिर दूसरे कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन अपन को आई बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो अपन को उस साइड है और इमेज फॉर्मेशन इस साइड हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको रियल इमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अपन को दो सरफेसेस कॉन्वेक्स का हो गया, एक अपन को ए बी सी सरफेस हो गया और दूसरा अपन सरफेस कह देंगे ए डी सी, जिसमें हम दोनों साइड कर्व बन रहे हैं। तो दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी वन एंड सी टू, तो एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन आर टू कह देंगे। अब हमने क्या देखो, आई वन इमेज फॉर्मेशन था लेकिन उसको हम क्या कह मान रहे हैं यहाँ पे, दूसरे में ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो अभी हमने पहले वाले सिचुएशन के लिए वी वन रखा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और यू अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों इसके क्या करना है, आपको सबसे पहले एजम्पन्स देना है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें लिखा रहता है कि व्हाट आर द एजम्पन्स मेड बाय द मेड इन द लेंस मेकर फार्मूला, और उसके बाद आपको कहेगा डेराइव द फार्मूला फॉर द फार्मूला फॉर इट। ठीक है, तो अपन यहाँ से पहले एजम्पन्स में देखो बच्चों क्या क्या लिखेंगे। तो एजम्पन्स में अपन कह देंगे कि द लेंस यूज इज थिन, बिल्कुल पतला सा एक लेंस यूज होना चाहिए। दूसरी चीज़ें अपन कह देंगे ऑब्जेक्ट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर में अपन कहते हैं कि द अपर्चर ऑफ द लेंस इज अ स्मॉल, उसका अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए। तीसरी चौथी चीज़ें अपन कहते हैं ऑल द रेज आर पैरेक्सियल। पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है, तो पैरेक्सियल अपन कहते हैं कि जितने भी ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल क्रिएट करते हैं, और इस स्मॉल एंगल को हम मान लेते हैं कि साइन जो है साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और टेंजेंट्स मतलब कि टेन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ें अपन वहाँ पे मान लेते हैं, इसीलिए हम उसको पैरेक्सियल के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप लोगों को डेराइव जो करेंगे उसमें सबसे पहला नंबर अपन लिखेंगे कि सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेयर मीडियम एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। ठीक है, उसके बाद अपन लिखेंगे द रे ओ एम इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सर्फेस ए बी सी। ठीक है, अब अपन को यहाँ से कहता है कि इट इज़ रिफ्रैक्टेड अलोंग एम एन बेंडिंग एंड फॉर्म आई वन इमेज। ठीक है, अब आई वन इमेज अपन यहाँ से कह देंगे कि आई वन एज अ रियल इमेज फॉर्म बाय द सर्फेस ए बी सी, ए बी सी सर्फेस के थ्रू बन होता है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है अपन म्यू टू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि एक रिलेशनशिप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उस रिलेशनशिप को अपन लिखेंगे वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस वी वन
एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, तो उसमें अपन लिखेंगे म्यू टू अपॉन में वी वन माइनस म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर वन कह देंगे। ये इक्वेशन अपना फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। दूसरा अपन को सरफेस ए डी सी सरफेस है, तो उसमें अपन कह देंगे बट एक्चुअली द रेस एम एन सफर्स अनदर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ए डी सी बेंडिंग अभी फ्रॉम द नॉर्मल है ना एट पॉइंट एन। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी वन इमेज डिस्टेंस वी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू, इसको अपन जो लिखेंगे तो ये लिखेंगे म्यू वन अपॉन में वी माइनस के म्यू टू अपॉन में वी वन इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर टू, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद अपन को क्या मिला वो देखिए, म्यू वन अपॉन में वी माइनस के म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। जैसे इसमें देखो क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर टू था, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अपना हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर टू, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन की तरह सेम हो जाएगा इसीलिए अपन इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू हो जाएगा। ठीक है, इधर अपन को म्यू वन अपॉन में वी माइनस के म्यू वन अपॉन में यू था, उसमें हमने म्यू वन को कॉमन ले लिया और उसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन में वी माइनस के वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन इंटू में वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने पढ़ा था थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला जो होता है वो अपन को पता है, ये अपन टेंथ में भी जान लेते हैं, फार्मूला तो जान लेते हैं टेंथ में ही। इसमें हम कहते हैं वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन में एफ कहते हैं। तो यहाँ से देखो वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू को हमने वन अपॉन में एफ कह दिया, तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में वन अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन इंटू में वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब इसमें देखो क्या करो, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इसको, जैसे म्यू टू को म्यू वन से हम क्या करेंगे, म्यू टू और ऊपर वाले दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन को म्यू कह देंगे, अब म्यू वन अपॉन में म्यू वन को वन हो जाएगा कट के, तो म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, इसको अच्छे से आप लोग डिराइव कर लेंगे घर पर। ठीक है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत बना इशू आया तो वो मुझसे आप पूछेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस का भी होता है, उसमें भी आप लोगों को बस क्या करना है, यही दो इक्वेशन फॉर्म होंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर अपन ऐड करेंगे तो अपन को वही सेम रिजल्ट भी आएगा। और ये अपन फिगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेंगे और डायरेक्ट इन दोनों के रिजल्ट को लेकर के ऐड करेंगे और इक्वेशन बना करके रख देंगे। ठीक है, एजम्पशन सुजम्पशन सब के लिए सेम ही रहते हैं, इस समय अपन को कुछ भी अलग से अपन को नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ओके।